पानीपत के गांव सिवा से गांव छाजपुर कला होते हुए वाया सनौली हरिद्वार रोड को जोड़ने के लिए एक बाईपास बनाया जा रहा है, जिसको लेकर गांव छाजपुर कला के साथ साथ गांव बहरामपुर, अतोलापुर और बापोली वासियों को परेशानी से बचाने के लिए गांव के सामने रोड पर एक अंडरपास बनाने की मांग की गई है। बता दें कि ग्रामीणों ने पानीपत के उपायुक्त को ज्ञापन देकर मांग की है कि उन्हें खेतों में जाने और मंडी में फसल बेचने जाने के लिए रास्ता मुहैया कराया जाए। इसके साथ साथ गांव के ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके रास्ते की मांग पूरी नहीं हुई तो बाईपास के काम को रुकवा कर धरना देने को मजबूर होंगे। यहां यह भी बता दें कि पानीपत शहर की बढ़ती आबादी और औद्योगिकीकरण के कारण शहर का दायरा बढ़ने से ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए पानीपत से दिल्ली की तरफ 10 किलोमीटर पहले सिवा गांव से छाजपुर कला गांव तक एक बाईपास बनाया जा रहा है, जो पानीपत हरिद्वार रोड पर जाकर मिलेगा। बाईपास का निर्माण अभी चल रहा है, पूरा होने पर गांव शाहपुर कला के परंपरागत रास्तों के बंद होने से गांव के लोगों को अपने खेत में काम करने और फसल को मंडी में लाने ले जाने के लिए कई किलोमीटर का चक्कर काटकर बाईपास के दूसरी तरफ खेतों में जाना पड़ेगा। इस परेशानी से बचने के लिए ग्रामीणों ने गांव के सामने अंडरपास बनाकर रास्ता देने की मांग की है। उनका कहना है कि रास्ता ना मिलने से कई गांव इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि छाजपुर कला की खेती के लगभग 85% जमीन निर्माणाधीन बाईपास के दूसरी तरफ पड़ती है। अंडरपास नहीं बनाए जाने पर खेत में काम करने के लिए जाने और फसल को मंडी तक ले जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए साथ लगते गांव के लोगों ने उपायुक्त के नाम ज्ञापन देकर मांग की है, साथ ही चेताते हुए कहा है कि गांव के सामने अंडरपास बनाया जाए, अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती तो बाईपास के काम को रोक कर धरना दिया जाएगा। पानीपत से प्रवीण भारद्वाज की रिपोर्ट। मैं छाजपुर कला सरपंच, हम इसलिए मिलने आए कि जो हमारे गांव छाजपुर से तोलापुर रोड जा रहा, वो गांव के जमींदारों के लिए, अन्य गरीब लोगों के लिए, रीढ़ की हड्डी जैसे इंसान के लिए जरूरी है, इसीलिए वो रास्ते की बहुत जरूरी है, आने जाने का साधन है। तो हम उपायुक्त से यही गुजारिश करेंगे कि हमने अंडर पास हमारे बनवाया जाए, नहीं तो हमारे जो जमींदार भाई हैं वो बर्बाद हो जाएंगे और गरीब जो जनता है जो खेत में घास लेने के आने जाने का साधन है वो बंद हो गया तो सब बर्बाद हो जाएंगे। ये बाईपास कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? ये बाईपास तो सिवा से और नगीना है। नाम क्या आपका जी? नाम आपका? राजेश कुमार सरपंच छाजपुर कला। हाँ जी, मेरा नाम करतार सिंह, एक्स सरपंच छाजपुर कला। हम जो आए हैं डीसी साहब से मिलने के लिए, हमारे छाजपुर कला की जमीन जो है 3 हिस्से पर है और ये बाईपास बनने लग रहा थी सिवा से हरिद्वार तक का, अगर जो उस पर अंडर वो पास ना दिया सड़क के ऊपर छाजपुर से तल्लापुर ब्रह्मपुर आदमी 3-4 गांव लगे और तो हमारी जो जमीन है तो 80% पर है, पुरसे पर है, अगर जो ना होया तो सारे लोग सारे जमींदार सब परेशान होंगे उस बात के लिए। और हमें इसी करके है प्रार्थना कर डीसी साहब को भाई हमारा अंडर पास मंजूर करवा जाए, अगर जो ना करेंगे फिर धरने पड़ने भी धरने पड़ेंगे, ये मांग है हमारी। छाजपुर कला रास्ता जाता है तोलापुर से जी, और ये जी रास्ता सिवा से सनौली रोड पर जाता है, फ्लाई ओवर जो बना रहे हैं तो रास्ता बंद कर रहे हैं जी, उसमें हमारे को आने जाने में खेत में सभी लोगों को परेशानी है, तो ये खुलना चाहिए तो आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। जहाँ काम चल रहा है वहाँ लोग धरना धरेंगे और काम को भी रोकेंगे। अगर आपको रास्ता नहीं मिलता है? नहीं, रास्ता मिले तो धरना। रास्ते की आवश्यकता क्यों है आपको? क्योंकि जो पहले भी रास्ता होगा आपका कहीं ना कहीं से, पहले रास्ता था ना जो वही उसी को ही बंद करने जा रहे हैं जी, वही रास्ता बंद कर दिया, रोड बन गया 20 साल। तो मतलब खेत में आने जाने में दिक्कत रहेगी? खेत में आने जाने में दिक्कत होगी। आज क्या कह रहे जी आप? जो कह रहे मगर जी मंडी में भी जाने की दिक्कत आओगी, जो आम मकान आ जाए सब कुछ उसमें दिक्कत आओगी, मंडी ना बापोली मंडी में कहीं काम लग गया जी। अच्छा, पर ब्रह्मपुर आदमी सारे को दिक्कत है आने जाने की, फसल बेचने में दिक्कत रहेगी हमेशा, फसल बेचने में फिर आने जाने में रोज खेत में जाना तो पड़ेगा ही सबको, सब नहीं दिक्कत है, 4 किलोमीटर जी दूर मुकाना पड़ेगा जो ना रस्ते। क्या नाम है आपका? हरी सिंह जी।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।